प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने करनाल प्रवास के दौरान बीती शाम घरोंडा की अनाज मंडी का दौरा किया और गेहूं खरीद को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंडी में गेहूं की गुणवत्ता को जांचा एवं उठान कार्यों की जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं खरीद का कार्य मंडियों में सुचारू रूप से जारी है। बेमौसमी बारिश के कारण फसलों का जो नुकसान हुआ है तथा मंडियों में भी गेहूं लेट हुई है। उन्होंने कहा कि मंडियों में गेहूं की आवक 25 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन बारिश के कारण इसमें देरी हुई है। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण 10-20% फसलों का नुकसान भी हुआ है। इसके लिए सरकार द्वारा स्पेशल गिरदावरी भी करवाई गई है। उन्होंने कहा कि मंडियों में गेहूं की आवक से हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश के कारण गेहूं में नमी को लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मंडियों से गेहूं उठान का कार्य समय पर करवाया जाए और गेहूं की गुणवत्ता तथा उसमें नमी की भी जांच की जाए। इस अवसर पर घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण भी उनके साथ मौजूद रहे। हम सब लोगों के गरीब आदमियों के खाने के काम आता है, तो उसकी गुणवत्ता बढ़ा के रखना भी हमारा काम है। मुख्यमंत्री जी, अभी आपसे पहले भूपेंद्र हुड्डा इसी मंडी का दौरा करके गए हैं, दो बातें कही हैं कि सरकार का लस्टर लॉस हो चुका है और सरकार का पोर्टल बंद है, सरकार की मंशा नहीं है किसानों को। ऐसा विपक्ष के आदमियों को कुछ ना कुछ कहना चाहिए, लेकिन ठीक बात है, जितने उन्होंने कहनी उतनी कह गए हैं। लस्टर लॉस की बात उन्होंने भी मानी है, मैंने भी मानी है। लस्टर लॉस की छूट तो किसान को मिलेगी ही, क्योंकि अगर लस्टर लॉस की छूट नहीं मिलेगी तो किसान बेच भी नहीं पाएगा, इसलिए उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। लस्टर लॉस के कारण से इतना ही है कि जो लस्टर लॉस का दाना होता है, अनाज होता है, उसको जल्दी कंज्यूम किया जाता है, उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक पोर्टल की बात है, पोर्टल जो है लगातार जहाँ जहाँ मेरी फसल मेरा ब्यौरा की रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, बाद में बरसात आई है और लोगों को क्षतिपूर्ति पोर्टल में लोड करने में दिक्कत आई, वो सब हमने डीसी को कह करके उन सब गाँव का जहाँ थोड़ा भी लॉस है उन सब का खुलवा दिया गया। और लास्ट में तो 3 दिन हमने सभी गाँव के खोल दिए थे पोर्टल, ताकि अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा में भी रजिस्ट्री कर लें और बाद में क्षतिपूर्ति में भी करें। और अब तो चौके बिक्री शुरू हो गई है, इसलिए ई पोर्टल पर जो उसकी प्रोक्योरमेंट हो रही है, ई प्रोक्योरमेंट हो जाएगी। हाँ, लस्टर लॉस का फाइनल निर्णय होने के बाद पेमेंट हो सकता है 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन लस्टर लॉस का फाइनल होने के बाद पेमेंट रिलीज करनी है हैफेड ने या एजेंसीज ने, तो एजेंसीज पेमेंट तभी रिलीज करेंगे जब उनका सारा ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। 2 दिन में 3 दिन में कोई समस्या नहीं आएगी। हमने बहुत जगह पर जहाँ कहीं ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में दिक्कत आती है, हम आखिर में डीसीज को भी अथोराइज कर देते हैं कि लोकल लेवल पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करके उठवा लें। पहले ठेकेदार जो होते हैं वो अपना प्रयत्न करते हैं, अगर वो उठवा सकते हैं, कई बार मात्रा इतनी ज़्यादा आ जाती है कि ठेकेदार के पास भी उतने साधन नहीं होते हैं, फिर हम डीसीज के माध्यम से उसको ओपन भी करवाते हैं। इस बार समस्या आएगी तो देख लें।